हरियाणा और जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के नतीजे आ चुके हैं। जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस का गठबंधन 15 साल बाद सरकार बनाने जा रहा है। दूसरी तरफ हरियाणा में भाजपा ने रिकॉर्ड तीसरी बार सत्ता में वापसी की है। हरियाणा के गठन के बाद से अब तक कोई पार्टी लगातार तीसरी बार सरकार नहीं बना सकी है। हरियाणा ने पूर्ण बहुमत के बाद देश भर में भाजपा कार्यकर्ताओं में जश्न का माहौल है। अब हरियाणा चुनाव के नतीजों पर केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने कहा है कि पूरे देश में माहौल अच्छा है, प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में जनता के लिए काम हो रहा है, साइलेंट वोटर्स ने इस चुनाव में बहुत बड़ी भूमिका निभाई है। पार्टी नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जिस प्रकार के काम कर रही है, सारे देश में माहौल अच्छा है, जनता को उनकी नीतियां भा रही हैं, जनता रिस्पॉन्ड कर रही है, और जो काम है चाहे वो केंद्र सरकार की ओर से हो, हरियाणा सरकार की ओर से हो, सब काम इतने अच्छे हो रहे हैं, लोगों को भा रहे हैं। तो लोगों के मन को भाने वाले इस प्रकार का जो रिजल्ट दिया है, और साइलेंट वोटर जो है इसमें बहुत बड़ी भूमिका निभाई है उसने, क्योंकि वोकल वोटर तो हमेशा मीडिया में इधर उधर जाकर के या जाकर एजेंसियों को अपनी बात बता देता है, साइलेंट वोटर के लिए बताता नहीं है। और जो गरीब वोटर है, जो जिसको कहना चाहिए अभावग्रस्त जीवन जीते हैं, उनके लिए मोदी जी की नीतियां बहुत बड़ा रोल अदा कर रही है। सर, जिस तरह से सरकार गठन है, कितने दिन में प्रोसीजर पूरा हो जाएगा? अब ये तो पार्लियामेंट्री बोर्ड और हमारे जो प्रदेश के लोग हैं वो मिलकर तय करेंगे। सर, मुख्यमंत्री कौन होंगे? तो वही तय।